आखिर आधी रात में नशे में धुत होकर सलमान ने क्यों दी थी ऐश्वर्या को धमकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जार। दोस्तों, बात आज करेंगे इंडस्ट्री के सबसे चर्चित ब्रेकअप की, जो एक लंबे समय तक लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा। जी हाँ, बात कर रहे हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय की, जिनके लव लाइफ से ज्यादा इनकी ब्रेकअप सुर्खियों में रहे। सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बड़ी थी। ये फिल्म भी हिट हुई और इसके साथ ही सलमान और ऐश्वर्या के बीच रोमांस के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में फैल गए। हालांकि जिस तेजी के साथ सलमान ऐश्वर्या का रिश्ता आगे बढ़ा, उसी तेजी के साथ इसमें खटास आनी भी शुरू हो गई। रिपोर्ट की माने तो 1999 तक सलमान खान जहां इंडस्ट्री में एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन गए थे, वहीं ऐश्वर्या तब तक फिल्मों में नहीं थी। कहते हैं सलमान खान किसी भी हाल में ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या राय इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसी बात के चलते सलमान और ऐश के रिलेशन में खटास आने लगी। वहीं साल 2001 आते आते तक एक ऐसी घटना हो गई जिसने इनके रिश्ते को तार तार करके रख दिया। रिपोर्ट की माने तो एक बार सलमान खान आधी रात को ऐश्वर्या राय के फ्लैट पर पहुंच गए। यहां वो लगभग 2 से 3 घंटे तक ऐश्वर्या के फ्लैट के बाहर हंगामा करते रहे। असल में ऐश्वर्या राय ने फ्लैट का दरवाजा खोलने से मना कर दिया था, जिसके बाद सलमान खान लगातार उनके घर का दरवाजा पीटते रहे और यहां तक धमकी देते रहे कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो वो सुसाइड कर देंगे। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान कई मौकों पर ऐश्वर्या को डोमिनेट करते थे। इन्हीं सब वजहों के कारण 2002 आते आते ऐश और सल्लू का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज भी फैंस इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया करते और यही विश करते थे कि काश ये दोनों साथ होते। लेकिन सलमान खान के शॉर्ट टेम्पर होने के कारण उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद सल्लू का नाम बहुत सारी एक्ट्रेसेस से जुड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा सलमान और कटरीना का रिश्ता, लेकिन कटरीना ने भी शादी कर ली विक्की कौशल से और हमारे सलमान भाई जान अकेले रह गए। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, सलमान और कटरीना की टाइगर 3 आने वाली है, जो कि इसी साल एंड में रिलीज होने वाली है। आप कितना वेट कर रहे हैं टाइगर 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल मौलिग्राज स्टूडियोज को।